मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगामी सप्ताह रतलाम आ सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर सीएम दर्शन करेंगे। उनके संभावित दौरे को देखते हुए कलेक्टर राजेश बाथम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शनिवार सुबह महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर व्यवस्था देखी। बता दें कि महालक्ष्मी मंदिर पर नोटों व आभूषणों से सजावट का कार्य जारी है। अब तक 70 लाख से अधिक कीमत के नोट मंदिर में सजावट के लिए आ चुके हैं। सुबह कलेक्टर बाथम के साथ अपर कलेक्टर आरएस मंडलोई, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, नाजिर भैरूलाल मालवीय महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। महालक्ष्मी के दर्शन कर सजावट कार्य की तैयारियों का जायजा लिया। दीपावली पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसलिए आने जाने वाले मार्ग को देखा। साथ ही अगर कोई वीआईपी आता है तो मंदिर में दर्शन के लिए वैकल्पिक मार्ग, पार्किंग समेत अन्य व्यवस्था भी देखी। अधिकारियों ने माणक चौक पुलिस थाना परिसर व थाने के सामने शासकीय स्कूल परिसर में जाकर पार्किंग की व्यवस्था भी देखी। सेऊ सोना साड़ी के लिए विख्यात रतलाम अब नशे के कारोबार के लिए कुख्यात होता जा रहा है। रतलाम पुलिस के द्वारा हालांकि कार्रवाई तो की जा रही है परंतु इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। पुलिस के द्वारा करोड़ों का एमडी ड्रग्स जब्त किया जा चुका है। यही कारण है कि आज माणक चौक थाना पर स्थानीय नागरिक धरने पर बैठ गए और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इसमें एक युवक भूख हड़ताल पर भी बैठ गया है। नवागत पुलिस कप्तान अमित कुमार के द्वारा लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं तथा 500 लोगों को चिन्हित कर उनकी सूची भी बनाई गई है तथा कड़ी निगरानी रखी जा रही है एवं कार्रवाई की बात भी की जा रही है। बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत सातरुंडा में शुक्रवार दोपहर 1 के आसपास एक ट्राले और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्राले में आग लग गई। रतलाम से दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के बाद ट्राला चालक मौके से भाग गया। जानकारी के अनुसार इंदौर से रतलाम की ओर आ रहे तेज गति ट्रॉले ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर कुछ मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। हादसे में बिलपांग क्षेत्र के अमलेटी गांव के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज हेतु रतलाम जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद तेज गति से ट्राला सड़क पर पास बने कच्चे मकान को तोड़ता हुआ पेड़ से टकरा गया जिसके बाद ट्राले में आग लग गई। घर के पास बैठे तीन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, अन्यथा दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। घटना के बाद चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रतलाम से फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंचकर ट्राले में लगी आग को बुझाया गया। साथियों
शहर का जाना पहचाना नाम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक की संपूर्ण श्रृंखला। त्योहारों की सीजन में हमारे साथ अपने सपनों को कीजिए साकार। 0% डाउन पेमेंट, आसान किश्तें, क्रेडिट कार्ड पर 20% तक का कैशबैक, स्क्रेच कार्ड ऑफर, एक्सचेंज ऑफर के साथ हर खरीदारी पर आपको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर आप पाएंगे LED TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, गीजर, वाटर प्यूरिफायर के साथ बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों को कीजिए पूरा द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर। हमारा पता है 35 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टेक्ट 9993245666। ओमकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घाणी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घाणी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303038863। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम श्रीमान उमेश पांडव के मुख्य अतिथि में जिला न्यायालय रतलाम में नालसा की योजना, बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं योजनाएं 2015 अंतर्गत दीपोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ उमेश पांडव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष द्वारा लाल फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम में बाल संप्रेषण गृह एवं देव प्रकाश संस्थान बाल गृह, निवेदिता बालिका गृह रतलाम में निवासरत बच्चों के द्वारा रतलाम के बालकों को रोजगार उन्मुखी अवसर एवं बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए आकर्षक एवं कलात्मक दीपक, लैंप, झालर, घड़ी, ग्रीटिंग्स इत्यादि अन्य सामग्रियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जी सर, यहाँ पे आपने कुछ अलग टाइप का देखा होगा, डिफरेंट थोड़ा बढ़िया।